जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना है, तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के पार्ट्स कैसे बनते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, हमने कंप्यूटर पूरा कनेक्ट रखा था, तो कनेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके सीपीयू के वायर कनेक्ट हो चुके हैं, कीबोर्ड माउस कनेक्ट है और इसी वे आपने पूरा कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों कनेक्ट करने के बाद मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर पे कैसे हम काम करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसा है कि जनरली हम देखते हैं कोई भी स्विच चालू करो, लाइट पंखा इजीली चालू हो जाता है, हाँ, बट कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन एक ऐसा है जो आपसे पूरा डेटा ले सकता है, डेटा पे वर्क करता है और डेटा का वर्किंग करने के बाद आपको रिजल्ट देता है। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे मैं आपको बताया, उसमें हमारे पार्ट्स ये मेन रहते हैं। मेन पार्ट्स में रहेगा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। ये चार मेन पार्ट रहते हैं। ये मेन पार्ट्स में कैसा होता है, इन चार मेन पार्ट के बगैर आप कोई कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। हाँ, इनके अलावा बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आते हैं, प्रिंटर है, स्कैनर है, स्पीकर है, लेकिन वो सब पार्ट्स आपके पास ना हो तो ये चार पार्ट ऐसे कैसे हैं जो मेन काम के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्यों पहले वो समझते हैं और आउटपुट डिवाइस क्यों आता है वो भी समझते हैं। मैंने आपको जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स बता दिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रोसेस है यानी काम करने का जो तरीका है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले रहता है इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट। ये तीन काम इसके मेन है। मेन हम ऐसे कह सकते हैं कि इसी पे इसकी पूरी साइकिल बनी हुई है, इसी साइकिल पे ये पूरा काम करता है। तो सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है? इनपुट मतलब कीबोर्ड, माउस और स्कैनर होता है। अच्छा, इनपुट डिवाइस क्यों? इनपुट क्योंकि जो भी आप डेटा दे रहे हो यानी कि जो भी आप उसको काम दे रहे हो वो आप इनपुट कर रहे हो। जैसे कीबोर्ड से आप टाइपिंग कर रहे हो तो वो पूरा डेटा उसके पास जा रहा है, माउस से आप क्लिक कर रहे हो तो भी वो पूरा डेटा उसके पास जा रहा है। तो ये दोनों काम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। ओके, तो इनपुट में सबसे पहले आपको कीबोर्ड समझाना चाहूँगा। तो देखिए पूरे दोस्तों, ये पूरा कीबोर्ड है। ओके, तो कीबोर्ड पे हमारे पास बहुत सारे बटन्स भी होते हैं जिसको हम की कह सकते हैं। की क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अलग अलग जो बटन है वो अलग अलग यूज होते हैं। इनमें टोटली 101 से 104 की अलग अलग रहती है। इसको टोटल फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं F1, F2 ऐसे करके F12 है। ये पूरी हमारी फंक्शन की रहती है। फंक्शन की एक स्पेशल फंक्शनलिटी चीज के लिए यूज होती है, कहीं अलग अलग जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद रहता है नीचे A to Z जो अल्फाबेटिक की रहती है। A to Z हम जनरली जानते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश के 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो A to Z हम उस पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रहेंगे नंबर, जो नंबर की को आप न्यूमेरिक की भी कह सकते हैं, नंबर की कह सकते हैं, क्योंकि ये नंबरों के साथ कनेक्ट रहती है। जैसे अगर नंबरों की बंद होती है तो ये वर्क करना बंद कर देता है। हाँ, लेकिन स्पेसिफिक हमारे पास नंबर्स दो जगह हैं, एक यहाँ पे भी दिए हुए हैं, एक यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो दोनों जगह क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके साथ साथ कुछ सिम्बल्स, कुछ साइंस भी दिए हुए हैं, जबकि ये एक सिंगल ही नंबर्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन की, अल्फाबेट की और नंबर की, हमारे पास तीन पार्ट्स मैंने आपको समझाया, फंक्शन, अल्फाबेट और नंबर। उसके बाद हमारी चार एरो की, अप डाउन लेफ्ट राइट, चार एरो की जनरली आपको कर्सर ऊपर अप डाउन करने के लिए ये सेट करते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो ये आसपास आपको दिख रही है, जैसे कि इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पूरी ये स्पेशल की है टोटल। ये सब स्पेशल की, अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड पे इतनी की नहीं, उसके अलावा आपके पास कुछ ऊपर भी की दी जाएगी जो जनरली वॉल्यूम प्लस माइनस, म्यूजिक प्ले पॉज या फिर डायरेक्ट कंप्यूटर को शट डाउन करना है, स्लिप करना है, वो पूरी चीज़ इसके अंदर आएगी। तो जैसे जैसे मेरे आपके अलग अलग वीडियो बनते जाएंगे उसमें आप इन सब का यूज समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कीबोर्ड। उसके बाद हमारा आता है माउस। ओके, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस जनरली चूहा नहीं कहूँगा, ये कंप्यूटर का एक अलग रहेगा माउस। तो दोस्तों ये माउस कैसा है? इसमें तीन बटन रहते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल। लेफ्ट क्लिक मैक्सिमम यूज आपको लेफ्ट क्लिक करना है, कुछ कुछ ऑप्शन को अगर आपको एक्टिव करना है तो राइट क्लिक रहती है, और स्क्रॉल जनरली पेज अप पेज डाउन रहता है। हाँ, बट माउस का एक बेस्ट बेनिफिट आपको बताना चाहूँगा। माउस एक ऐसा है जो कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल को ईजी वे पर आपको सिलेक्ट कर सकता है, उसको ओपन कर सकता है। माउस एक इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन साथ में इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि माउस एक कर्सर के साथ कनेक्ट रहता है, वो कर्सर के बगैर कभी भी नहीं चल सकता। जैसे देखते हैं कि माउस अब जब भी यूज करोगे, एक कनेक्टर एक साथ में रहेगा, उसके साथ एक कर्सर रहेगा, वो बार बार घूमता रहेगा, जितनी बार आप माउस टर्न करोगे वो उतनी घूमेगा। तो इसके लिए माउस इनपुट डिवाइस के साथ साथ इसको आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। तो ये हमारे थे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बाद हमारा क्या आता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमारा मेन रहेगा CPU। तो CPU क्यों? CPU एक ऐसा चीज है जो कंप्यूटर का दिल और दिमाग कहा जाता है। दिल और दिमाग क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं इंसान दिल दिमाग के बगैर नहीं चल सकता है। दिमाग है तो हम सोच पा रहे हैं, दिल का तो हम हार्ट बीट जैसे हो रही है, तो उस हिसाब से हम इंसान चल रहे हैं। वैसे कंप्यूटर में CPU उसका दिल दिमाग है। अगर आपके पास CPU नहीं है दोस्तों तो कंप्यूटर कुछ भी काम कर रहे हैं।
सीपीयू का पूरा नाम रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक ऐसे यूनिट है जो पूरी सर्किट, पूरी मेन सर्किट को वर्क करता है, मतलब आपके कीबोर्ड माउस को कनेक्ट रखता है, मॉनिटर को कनेक्ट रखता है, अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट किया तो इंटरनेट को कनेक्ट करता है, प्रिंटर कनेक्ट किया तो प्रिंटर कनेक्ट करता है, मतलब पूरा एक कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है सीपीयू। सीपीयू जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर हमारे पास तीन यूनिट काम करती है, एक आती है सीयू, एक आती है एमयू, एक आती है एए। सबसे पहले बात करूंगा सीयू। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। आप जनरली बहुत बार कीबोर्ड माउस को वर्क कर रहे हैं तो उसमें जितना भी आपका वर्क हो रहा है उसको एक कंट्रोल करने का सिस्टम है सीपीयू। कितना बार आपने टाइपिंग किया, कितनी बार आपने माउस को ओपन किया, कितनी बार फाइल को फोल्डर को ओपन किया माउस से, तो पूरी चीज सीपीयू मेंटेन करता है, यानी जो कंट्रोल यूनिट उसकी मेंटेन करती है। सेकंड में हमारा रहता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इसको स्टोर करता है। जैसे हम देखते हैं कि इंसान हम कुछ सोचते हैं या कुछ पुरानी बातों को ध्यान रखते हैं तो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, वैसे सेम एज इट इज कंप्यूटर में भी एक ऐसा यूनिट रहता है जो पूरा स्टोर कर सकता है, आपकी फाइल, आपके फोल्डर, आपके प्रोग्राम सबको एक बार स्टोर रखता है। और थर्ड पे आता है एएलयू, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। वो पूरा कैलकुलेशन वर्क और फाइल फोल्डर वर्किंग के लिए पूरा रहता है। दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, हम इसको सीपीयू कहते हैं, बाहर से तो दिखने में ये बिल्कुल एक डब्बा है, लेकिन इसके अंदर की जो मशीन है जैसे कि मदरबोर्ड रैम, वो सब मेरे आप नेक्स्ट वीडियो हार्डवेयर जो आएंगे उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये बात कर लूँगा कि सीपीयू एक डब्बा नहीं कह सकते, क्योंकि सिंपल एक बात इस चीज़ है कि डब्बा क्या होता है जिसमें हम सब सामान रख सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कैबिनेट कह सकते हैं। इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में डब्बा नहीं कहेंगे, एक कहेंगे कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट के अंदर पूरी एक सिस्टम चिप सेट की जाती है जिसके कारण ये इसको नाम दिया जाता है सीपीयू। तो दोस्तों ये हमारा था सीपीयू प्रोसेसिंग। इनपुट मैंने आपको बता दिया, प्रोसेसिंग बता दिया, अब बात आती है आउटपुट पे। आउटपुट मतलब क्या, जैसे इंसान आज है, इंसान हम लोग देख रहे हैं कि हाथ पांव हमारे चल रहे हैं, हम लोग हाथ पांव चल रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी आंखें है वो देख सकती है, तो आंखें आपका क्या काम करे, आउटपुट का काम करे, क्योंकि वो देख रही है। सेम एज इट इज मॉनिटर भी क्या है, स्क्रीन पे दिखा सकता है तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों मॉनिटर कैसा है कि आज मेरे पास आप देख रहे हो मॉनिटर, एक एलसीडी मॉनिटर है। तो दोस्तों आप कहोगे सर ये एलसीडी क्या होता है, मॉनिटर्स में कैसा है अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे जनरली पहले के टाइम पे एक कंप्यूटर होता था टीवी टाइप, जो बहुत ही बड़ा डब्बा टाइप होता था, टीवी टाइप होता था, उसको जगह ज़्यादा चाहिए थी, वो था एक वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उसको आप वीडियो कह सकते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वो एक ऐसी यूनिट थी, एक कंप्यूटर ऐसा था कि बहुत जगह ज़्यादा रोकता था, उसकी क्लियरिटी कम होती थी और हैवी होता था। जबकि ये सेकंड पॉइंट आ गया है एलसीडी। जनरली हम हमारे घर पे भी देखते हैं, पहले के टाइम पे लोग जो टीवी देखते थे वो बड़ी टीवी होती थी, वीडियो होती थी। आज के जमाने में क्या हो गया, दीवार पे फिट करो दो एलसीडी टीवी, तो ये सेम चीज वही है एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक ऐसी डिस्प्ले है जो एकदम एक सॉफ्ट बनती है, मतलब जैसे कि जनरली आप देखते हैं कि पहले के टाइम के मोबाइल देखिए तो उनकी ब्राइटनेस लेवल और उसका थिकनेस ज़्यादा था। आजकल हमारे मोबाइल कैसे स्लिम आते हैं, उसकी स्क्रीन भी स्लिम होती है, वो चीज़ एलसीडी होती है। ये सेम एज इट इज वही है एलसीडी। उसके बाद हमारा एलसीडी के बाद जो लेटेस्ट आते हैं एलईडी। एलसीडी और एलईडी में डिफरेंस मैं आपको पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि एलसीडी जो होता है वो 90 एंगल पर जब आप चेक करते हैं तो आपको कलर वेरिएशन रहता है, और एलईडी कौन सा होता है, कोई भी एंगल से चेक कीजिए सेम रहता है। वो मैं दोस्तों आपको जब आगे की वीडियो में कंप्यूटर स्टार्ट करूँगा उसमें भी दिखाऊंगा कि एलसीडी में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों एलईडी है लाइटिंग इमिटिंग डायोड, और एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, एलसीडी थोड़ा थिक है, एलईडी एकदम स्लिम होता है, वो दीवार पर फिट होकर आप कोई भी एंगल से चेक करोगे उसका कलर वेरिएशन नहीं आएगा। हाँ, एलसीडी का एक माइनस पॉइंट यही है कि उसको आप 90 एंगल से चेक करोगे वो कलर वेरिएशन देगा। तो दोस्तों बात आती है मॉनिटर पे। मॉनिटर जैसे मैंने आपको बताया आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप जो भी काम कीबोर्ड पे कर रहे हैं या माउस से कर रहे हैं वो पूरा काम आपको कौन दिखा रहा है, मॉनिटर। मॉनिटर पे हर एक चीज़ आप इजीली देख सकते हैं और आउटपुट पूरा वही डिवाइस देता है। अच्छा, कंप्यूटर में ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ मॉनिटर ही आउटपुट है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, वो सब एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो जो भी आपने कमांड दिया उसके सामने आपको जो रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। हमारे मोबाइल की स्क्रीन देखें, आप जनरली टाइप करते हैं तो वहाँ पे इजीली जो भी आपने टाइप किया वो दिखा देता है, तो एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों मॉनिटर कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया एलसीडी, वीडियो और एलईडी। तो ये हमारा एक पूरा हो गया आउटपुट डिवाइस। जनरली आजकल के कंप्यूटर ऐसे भी मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे कि कहीं कहीं पर सिर्फ ये मॉनिटर रहता है, सीपीयू भी नहीं रहता। तो वो क्या होता है दोस्तों कि एलसीडी होता है, बट इसकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी और बड़ी होती है, क्योंकि सीपीयू का पूरा वर्क उसके अंदर आ जाता है। मतलब एक बटन स्टार्ट करने से आपका मॉनिटर सीपीयू दोनों स्टार्ट हो जाता है। वो लेटेस्ट वर्जन है और बहुत ही हैवी वर्जन होता है, क्योंकि उसका मॉनिटर इतनी स्क्रीन पर नहीं रहता है, वो थोड़ा और बड़ा होता है और उसका वर्क ज़्यादा अच्छा होता है।
तो थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको ये बताया जो कंप्यूटर था। इसमें आगे की वीडियो में आपको और दिखाऊंगा कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर जो फाइल होती है, फोल्डर होता है, क्या होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।